दोस्तों मार्केट में आज एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है, दैट्स कॉल्ड बियर्डो। ठीक है, और बियर्डो का मुझे कहीं बहुत सारी इंक्वायरी आई थी, बहुत सारे कमेंट आए थे, क्योंकि लोग अपनी बियर्ड को लेके, दाढ़ी और मूंछों को लेके परेशान है, क्योंकि लोगों को आ नहीं रही, आ रही तो वो उनकी डेंसिटी कम है, मतलब घनी नहीं है, और कम उम्र में जो बियर्ड के जो बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब ग्रे, और फिर वो वाइट हो जाते हैं, और फिर बहुत ही किसी को आती नहीं है, हार्ड है, सॉफ्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, और यंगस्टर इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कंपनी ने इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए बियर्डो गॉडफादर बियर्ड ऑयल के नाम से बना दिया, और लोग पूछना चाहते हैं क्या ये वो सारी चीज़ करता है, मतलब क्या ये डेंसिटी बढ़ाता है, घनी करता है, क्या ये वो लोग लगा सकते हैं जिनको नहीं आती है, क्या ये लगाने से बाल वाइट जो है वो सफ़ेद जो है वो ग्रे और जो मतलब ब्लैक हो सकते हैं, और ओवरऑल हमारी बियर्ड के लिए अच्छे है या नहीं। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसको लगाने से हमारे जो बाल है ओवरऑल, हम इसको क्या सर पे भी हेड पे भी लगा सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। सो दिस इज अभिषेक चौहान एंड वेलकम टू केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो सबसे पहले बात करें हम इसके पैकेट की, तो सबसे पहले आप देखेंगे पैकेट बहुत ही क्लासिक बनाया है, अट्रैक्ट करने का बहुत बहुत इन्होंने जरिया ढूंढा है, और एक बहुत अच्छा इमेज दिया है, बियर्ड वाले बाबा जी है इसमें। और खैर हम देखें इसमें इंग्रेडिएंट की, और इंग्रेडिएंट की बात करें हम, सबसे पहले को कि हमको इंग्रेडिएंट से मतलब हम पैसे दे रहे हैं, हम इसका जो पैक है वो तो फेंक देंगे, तो हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट में फ्रेगनेंस जो कि खुशबू मिली है, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, मैंथॉल BHT और मिनरल ऑयल। मैंथॉल BHT इज कॉल्ड बिटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो कि इस ऑयल को मिलाने से जब हम मिलाते हैं तो वो उसको ख़राब होने से बचाता है, ये इसका एक काम है। मैंथॉल का देखे तो बस उसका यही एक काम है, और मैंथॉल थोड़ा सा फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करता है फ्रेगनेंस खुशबू के लिए। और इसके अंदर हम देखें तो इस तरह का आता है, ये बहुत ही क्लासिक है और कांच की बॉटल है, और ये एक ड्रॉप फॉर्म में आता है, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में ये ड्रॉप। फ्रेगनेंस काफ़ी इसकी मैन वाली है, जो कहते हैं मर्दों वाली फ्रेगनेंस। हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये जो इनकी खूबी बताई है वो सब करता है या नहीं। देखिए इंग्रेडिएंट की बात करें, फ्रेगनेंस को हटा दें, मिथाइल BHT को हटा दें, एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, मतलब एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा हम जानते हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं सबके इंडिविजुअल वीडियो बता चुका हूँ। और एक और अच्छी बात बता दूँ कि मैंने कई महीनों पहले, जब शायद ये आया भी नहीं था या आ चुका था भगवान जाने, बट उस समय मैंने बताया था कि नेचुरल तरीके से आप आपकी बियर्ड की डेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कम आती है तो घनी कैसे कर सकते हैं, अगर ब्लैक वाइट हो रही है तो उसको ब्लैक कैसे कर सकते हैं, वो मैं कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या आप आई पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब बात करूँ एलोवेरा की, तो एलोवेरा हम जानते हैं रिजुवेनेटिंग का काम करता है, मतलब नई सेल्स बनाता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, सेल एक्टिवेट करता है, फॉलिक्स के लिए अच्छा है। आलमंड ऑयल के देखें तो आलमंड ऑयल में भी हम जानते हैं विटामिन ई होता है, बट इसमें विटामिन ई अलग से मिला है। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे जितने भी ऑयल्स है इन सब की खूबी है कि ये एक्सटर्नल इंटरनली तो हेल्प करते ही है, एक्सटर्नली अगर आप आपकी स्किन पे या फिर हेयर, मैं दो मिनट बियर्ड की बात छोड़ दूँ, इन ऑयल की बात करूँ, तो ये एक्सटर्नली भी एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट कह सकते हैं आप इसको, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप अगर लगाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, हेयर अच्छे होंगे, ग्रो करेंगे, थिकनेस बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, ये सब नेचुरली कहते हैं, तो इन्होंने वही सब मिलाया है। ठीक है, आप इसके और साइंटिफिक जानना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो पे आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले ही इसके बारे में बना चुका हूँ, ये केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें वही सारी चीज़ मिलाई है जो कि आपके हेयर के लिए अच्छे हो। ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर मैंथॉल BHT मिला है, जो कि आप जानते हैं कि हर एक नेचुरल प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन जब वो पैकेट में आ जाता है, जब वो पैकेज में आ जाता है और आपके पास आता है, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल बहुत जल्दी फर्मेंटेड होता है, ख़राब होता है, उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए उसकी जो ख़राब होने की प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। ठीक है, तो मैंथॉल या फ्रेगनेंस देखें तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेंस जैसी है। अब बात आती है इसको हम लगाए या नहीं लगाए, लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं ये कोई उस टाइप का वीडियो नहीं है कि आपको लगा के बता रहा हूँ, ड्रॉप लेके हाथ में लेके बियर्ड में लगाना है और मालिश करनी है इसी टाइप का जैसे नॉर्मल हम लगाते हैं हेयर उस पर। देखिए
अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि कॉस्ट इसकी है करीबन ये 350 रुपये का आता है, करीबन 350 रुपये का आता है और इसकी जो कॉस्ट है वो 350, तो अगर आपके पास पैसा है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। क्या इससे हेयर की डेंसिटी बढ़ेगी? हाँ, बढ़ सकती है, क्योंकि जो टाइनी हेयर है उनकी ग्रोथ बढ़ेगी और जो भी थिन हेयर है वो थिक होंगे। क्या आपके पास पूरे शेव, मतलब आपके पास बियर्ड आती नहीं और इसको लगाने ऐसा आ जाएगी? जी नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि क्या आपके पास बियर्ड है ही नहीं और आप इस सोच रहे हैं इसको लगाने से पूरी बियर्ड आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान की बियर्ड, आदमी की बियर्ड जो बाल है उसकी डिपेंड करती है टेस्टोस्टेरोन लेवल पे, डीएनए पे, उसके बॉडी की ग्रोथ कैसी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, अच्छा है, डीएनए उस हिसाब से है, जैसे कि आप देखेंगे आपके दादाजी या नाना जी या फिर पिताजी की अगर ग्रोथ अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपकी होगी। ये डिपेंड करता है डीएनए पे, इसलिए इस भरोसे बिल्कुल ना लें कि इसको लगाने से आपकी बियर्ड उग जाएगी। अगर आपकी बियर्ड है और डेंसिटी कम है तो डेंसिटी बढ़ सकती है। अगर आपकी बियर्ड वाइट है, इसको लगाने से आपकी ब्लैक होने की संभावना हो सकती है। अगर आपकी डेंसिटी बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया, और साथ में हार्डनेस और कुछ तो भी आती है, तो उसको लगाने से आपकी जो बियर्ड है वो हेल्दी रहेगी। मुझ पर भी लगा सकते हैं क्योंकि वो बियर्ड में कहलाती है, एक जगह आती है, फेस जो हेयर है, फेशियल हेयर है उस पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप टाइम लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको ना लें। मतलब आप ना लें से मतलब है कि इसको नेचुरल तरीके से बना है। आलमंड ऑयल मार्केट में मिलता है, ऑलिव ऑयल मार्केट में मिलता है, वाइटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में मिलता है, एलोवेरा तो नेचुरल घर पर हर जगह मिल जाता है, तो क्यों ना उसको मिला के लगाए, वो ज़्यादा असर करेगी, इससे एक कदम ज़्यादा रहेगी। जी हाँ, और फ्रेगनेंस की बात करें तो फ्रेगनेंस तो वैसे भी आती नहीं है, खुशबू तो यूँ भी उसमें आती नहीं है। इसको आप ले सकते हैं उस जगह, लेकिन जैसे कि आपको कोई पार्टी में जाना है या फिर कई किसी के यहाँ पार्टी या फिर शादी या फिर कहीं भी आपको जाना है तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपके कोई पास आएगा, आपसे कोई हक करेगा, गले मिलेगा, तो उसको बहुत अच्छी स्मेल आएगी और ओवरऑल बियर्ड के लिए अच्छी है। तो देखा जाए तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले उस हिसाब से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बुरा बिल्कुल नहीं, खरीद सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, अगर आपके पास पैसा है और इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीदें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इतना 350-400 रुपये नहीं है और आप चाहते 30 ml आता है शायद, ठीक है, और इस पर आप बिगाड़ना नहीं चाहते तो नेचुरल तरीके से बनता है, बनाइए। 350 का आधा भी करेंगे 150 तो भी आपको अच्छा सा मिल जाएगा। इसमें 150-200 रुपये में आपको आलमंड ऑयल भी मिल जाएगा, 100 रुपये का आता है, वाइटामिन ई के कैप्सूल 20 रुपये का आता है, एलोवेरा फ्री में आता है, ऑलिव ऑयल का छोटा पैकेट रहे तो करीबन 50-100-150 रुपये के आसपास आ जाएगा। देखें तो या तो इससे कम या इसके बराबर ही पड़ेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, ऐसा नहीं कि वो 30 ml ही बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, एक सेकंड नहीं लगेगा यार, लाइक कर दो। और जिनको ज़रूरत है बीएड से रिलेटेड, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट हैंडी वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।